नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल एपीओ रेलवे। आज आप लोगों में समझाऊंगा कि ESS के माध्यम से इम्प्लाई अपना डाटा कैसे सही करवा सकता है। ESS मतलब इम्प्लाई सेल्फ सर्विस। HRMS में एक टैब दिया गया है या एक सुविधा दी गई है इम्प्लाई को, जिसके माध्यम से इम्प्लाई अपना बायोडाटा, अपने फैमिली डिटेल, कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें अपना खुद जो है सही करवा सकता है। मतलब उसको किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। डीलिंग क्लर्क पास बार बार जाने की जरूरत नहीं है, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। इम्प्लाई अपना लॉगिन करेगा, लॉगिन करने के बाद उसको जो भी डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं या जो रिक्वायरमेंट है उसमें सिस्टम में, वो आप अपलोड करेंगे। अपलोड करके उसको डाटा आप सही करेंगे तो गलत है तो, उसके लिए सबसे पहले आपको HRMS में लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद एक ऑप्शन है यहाँ पे IRHRMS-ESS इंडियन HRMS ESS इम्प्लाई सेल्फ सर्विस। यहां पर आप जाएंगे व्यू एंड एडिट माय डिटेल। व्यू एंड एडिट माय डिटेल में आप सेलेक्ट करेंगे टैब जिसमें आपको करेक्शन करना है, लेकिन एक करेक्शन नॉन सेंसिटिव डाटा में ही किया जा सकता है, जैसे कि इम्प्लाय के डेट ऑफ बर्थ, इम्प्लाय के नेम, इम्प्लाय के पर्टिकुलर जो कि इम्प्लाय नौकरी कर रहा है जिसके पूरी जो सेंसिटिव डाटा है उसको इम्प्लाय चेंज नहीं करवा सकता है डायरेक्ट, या उसके लिए रिकमेंड नहीं। उसके लिए आपको ऑफलाइन ही आना पड़ेगा जो सारे सिस्टम है, ठीक। लेकिन उसके अलावा अन्य बहुत सारे डाटा है, आपके फैमिली डिटेल, कम्युनिकेशन डिटेल, एड्रेस है या इनिशियल अपॉइंटमेंट है, मतलब इस तरह से जो भी नॉन सेंसिटिव डाटा है जिसमें कि इम्प्लाय के सर्विस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो सारे डाटा इम्प्लाय जो है अपना खुद चेंज करवा सकता है इस टाइप के माध्यम से। हम देखते हैं कि कैसे आप समझेंगे सेंसिटिव डाटा कौन सा, नॉन सेंसिटिव डाटा कौन सा है, या कौन कौन से डाटा आप चेंज करवा सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम इम्प्लाई मास्टर में जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे टैब में कौन सा डाटा है। हम बेसिक इन्फो की बात करते हैं जिसमें इम्प्लाय के सेंसिटिव डाटा सबसे ज्यादा होते हैं। गो किया। गो करने के बाद देखिए यहां पर कोई भी मिलो अगल बगल जो छोटा सा क्लिक होता है, क्लिक करने के लिए छोटा सा स्क्वायर, वो आपको यहां नहीं दिखाई पड़ रहा है। उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, रेज चेंज रिक्वेस्ट। रेज चेंज रिक्वेस्ट करने के बाद या आप यहां रिमार्क लिखेंगे कि मुझे क्या क्या चेंज करवाना है, क्या करना है, क्या जो भी डिटेल आप लिख सकते हैं रीजन लिखिए। उसके बाद देखिए आपके यहां पर जो यहां पे छोटा सा स्क्वायर टिक बॉक्स बना है वहीं पर आप एडिट या चेंज करवा सकते हैं, उसके अलावा कहीं दूसरी जगह नहीं करवा सकते हैं। इम्प्लाय के आईडी, इम्प्लाय का नेम, इम्प्लाय के जो भी है सेंसिटिव डेट ऑफ बर्थ, उसके और जितने भी डिटेल है जो कि इम्प्लाय के सेंसिटिव है उसको आप नहीं चेंज करवा सकते। उसके अलावा इम्प्लाय के डिटेल जैसे देखिए स्पाउस का डिटेल, स्पाउस का पूरा विवरण, ठीक है, और आप कहाँ पैदा हुए, कंट्री बर्थ, नेम हिंदी, ये सारी चीज जो आप बेसिक में है आप उसको टिक करेंगे। टिक करने के बाद जैसे उदाहरण दे रहा हूं मैं जो है इम्प्लाई नेम इन हिंदी, मानी हिंदी है, यहां पे मैं हिंदी में नाम लिखूंगा। लिखने के बाद जो जहां यह करना है करने के बाद यहां पे सबमिट करूंगा। सबमिट जैसे ही करेंगे ये डाटा आपका पहुंच जाएगा कहां पे, कमलेश कुमार सिंह मतलब डीलिंग क्लर्क पास। डीलिंग क्लर्क उसको चेक करेगा, चेक करने के बाद उसको लगता है कि डाटा सही है तभी वो आगे अपने वेरिफिकेशन अथॉरिटी के पास फॉरवर्ड करेगा। वेरिफिकेशन अथॉरिटी लगता है कि सही है तो वो जो है आगे फॉरवर्ड करेगा एक्सेप्टिंग अथॉरिटी के पास, और जैसे एक्सेप्टिंग अथॉरिटी उसको एक्सेप्ट करेगा वो आपका डाटा चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं फैमिली पे, जो कि फैमिली इसमें ई पास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इम्प्लाई की तरफ से भी प्रॉब्लम आ रही है, हमारी तरफ से भी प्रॉब्लम आ रही है कि भाई हमारा डाटा जो है चेंज नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए ये फैमिली टैब दे दिया गया है इम्प्लाई को कि इम्प्लाई अपना फैमिली से संबंधित जितनी भी जानकारी है उसको अपडेट करे, उसको फैमिली सेलेक्ट करना है, गो पे जाना है। गो करने के बाद इसमें दो मेनू आ रहे हैं, पहला एडिट का, दूसरा डिलीट का। डिलीट मतलब उसके काम की चीज नहीं है, ये गलत इंफॉर्मेशन आ गई उसको पूरा डिलीट करना है। यदि उसको लगता नहीं सिर्फ चेंज करना है तो हम एडिट पे जाएंगे। यहां से ऐड न्यू मेंबर भी कर सकता है, तीन या चार मेंबर है उसके, पांच मेंबर तो यहां से ऐड कर सकता है। एडिट पे जाएंगे, एडिट करने के बाद देखिए आपके पास एक ओपन हो गया है क्लिक बॉक्स, इसमें अपने पूरा का पूरा फैमिली डिटेल आप जो है भरेंगे। जैसे क्लिक करेंगे अपने आप आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से ये डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करेंगे सभी के,
जैसे सब कुछ फाइनल हो जाएगा बेसिक टाइप की तरह, इसको भी आप सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद वो डाटा फिर जाएगा डीलिंग क्लर्क पास, डीलिंग क्लर्क उसको वेरिफिकेशन अथॉरिटी के पास फॉरवर्ड करेगा, वेरिफिकेशन अथॉरिटी एक्सेप्टिंग अथॉरिटी के पास फॉरवर्ड करेगा। लेकिन आपको यहां समझना है कि जो डॉक्यूमेंट्स है, कृपया आप अपने डॉक्यूमेंट्स यहां पर अपलोड करेंगे और आपके जो डिपेंडेंट हैं उसके बाद डिटेल देंगे, डिपेंडेंट है या नहीं है। यदि आप कोई विडो मदर है उसका भी डिटेल उसमें भरते हैं, तो उसके सोर्स ऑफ अर्निंग कितनी है, उसके डॉक्यूमेंट्स, उसके पीपीओ डिटेल, यहां तक कि उसके जो बैंक में कितना पेमेंट आ रहा है, उसको आपके इनकम प्रूफ अपलोड आपको करना होगा, जिससे कि पास क्लर्क आपको मतलब पता चल सके कि वो आप पे डिपेंड है या नहीं है। यहां तक कि सिस्टम में भी लॉक लगा होगा कि आपके बेसिक से या उनको मिनिमम इनकम कितनी है, आप उस पे डिपेंड है या नहीं है आपकी फैमिली, उसके बारे में पूरा डिटेल इसमें रहेगा, लॉकिंग सिस्टम है। तो कहने का मतलब यह है कि ये आपके लिए पूरी तरह से सेफ है और आपने इसमें डिटेल भरिए, आप जो है बैठे बैठे पास अपना जो है ले लीजिए और यहीं से बैठे बैठे रिजर्वेशन करवा लीजिए। वो सारी सुविधाएं तभी संभव है जब आपका फैमिली पार्टिकुलर सही भरा होगा। जब फैमिली पार्टिकुलर आपका सही भरा होगा, आपको भी संतुष्टि है कि मेरा डिटेल सही है और मैं जो है जो डिटेल दे रहा हूं वो भी सही है, तो आप जो है कोई टेंशन नहीं आपको और आपके पास सुविधा है। उसके बाद आने वाले समय में जब रिटायरमेंट का समय आएगा, रिटायरमेंट का यही डाटा आपका रिटायरमेंट फॉर्म में जाएगा और आपको दोबारा दिक्कत नहीं पड़ेगी फॉर्म भरने के लिए। मैं आप सब लोगों को यही बोलूंगे, आपके परिवार के जितने भी सदस्य हैं, पति पत्नी बच्चे, चाहे शादीशुदा हो या ना हो, सारे बच्चों को आपके डिटेल्स में भरना है। और फिर पास और पीटीओ के लिए डिटेल आता है वहां पे आपको यस से नो करना है, जो भी एज पर रूल है, ठीक है, ये रूल पे डिपेंड है या नहीं है वो आपको लिखना है। कहने का मतलब यह है कि आपके परिवार के पूरे सदस्यों को आप इसमें लिखिए, क्योंकि जब रिटायर्ड होते हैं तो उसमें फॉर्म 6 में पूरे आपके फैमिली पार्टिकुलर्स में जाते हैं, तो यह डाटा पूरा यहीं से आपका पिकअप कर लेगा, आपको बार बार जो है डाटा आपको भरने की जरूरत नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि इसमें आप अब आप के लिए एक और जो आता है वो कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन में क्या है, एम्प्लॉय को अपना बार बार मोबाइल नंबर चेंज करना है, ये कुछ भी करना है, उसके लिए जाएगा कम्युनिकेशन पे, गो पे गए, ये जो डॉक्यूमेंट जो आपको टैग दिया गया एक बार के लिए है, आप इसको बार बार फिर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, वह सबमिट हो जाएगा। इसलिए सोच समझ के एक ही बार में एक टैग पूरा क्लियर करिए, ठीक। इसमें वही चीज है, सेम सेम वही प्रोसेस है, रेज चेंज रिक्वेस्ट किए। यहाँ पे एक चीज और ऑप्शन आ गया है आपका कि आप मोबाइल नंबर पर्सनल भी फिट कर सकते हैं और ऑफिशियल भी फिट कर सकते हैं। इन दोनों के बाद एक और ऑप्शन आ गया है यहाँ पे, सिलेक्ट ओटीपी, पर्सनल भी लेंगे या ऑफिशियल भी लेंगे, मतलब कहने का आप इस नंबर पे ओटीपी चाहिए या इस नंबर पे ओटीपी चाहिए। मैं तो आप लोगों को यह सुझाव दूंगा कि जो ओटीपी है आप पर्सनल नंबर पे रखिए। कारण क्या है कि आने वाले समय में आपका ई पास है, वो भी एपीआर है, सेटलमेंट है, ये जितने भी चीजें इससे लिंक है, पीएफ एडवांस है, ये और जो भी चीजें इससे लिंक होगी, आपके पास ओटीपी आएगा। ऑफिशियल में नंबर आपका हमेशा चेंज होता रहता है, पर बदलता रहता है, इसलिए आप उसका उपयोग ना करें तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। चलते चलते मैं आप लोगों से यही आशा करूंगा कि आप फैमिली टैब को जल्द से जल्द भरेंगे। भरने के बाद आप यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे वीडियो में कमेंट्स करिए या आप अपने सेक्शनल वेलफेयर इंस्पेक्टर से संपर्क करिए कि इसको कैसे करना है, क्या नहीं करना है, वो आपको डिटेल पूरी देगा, पूरी मदद करेगा आपकी, और आप जो है जल्दी से जल्दी ई पास का लाभ ले सके। लेकिन फैमिली डिटेल में पूरा आपको फैमिली डिटेल भरना है, कि हो सकता है डीलिंग क्लर्क को आपको लगता है कि डीलिंग क्लर्क जो है या डीलिंग क्लर्क को ऐसा लगता है कि वो आपने डाटा सही नहीं भरा, आपको रिजेक्ट कर देगा। रिजेक्ट करने के बाद फिर आपको वही पुरानी प्रोसेस अपनानी पड़ेगी, इसलिए एक बार डाटा भरिए और सही भरिए, और आपके लिए भी सही रहेगा, हमारे लिए भी सही रहेगा, और इसका आप जो है अच्छी तरह से लाभ ले सकते हैं।